श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर सास की जय, प्रणाम। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। रंग महल में सरल मिला खेले, रंग महल में रल मिला खेले, अपने धनी जी सो प्रेम से बोले, अपने धनी जी सो प्रेम से बोले, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। सुखा सुखा पालक भू लगाए है, निजा घर अपना भी भू लगाए है, सुखा सुखा पालक भू लगाए है, निजा घर अपना भी भू लगाए है, सुख निज घर को तब ही पावे, धनी चरणों में जब ध्यान लगावे, सुख निज घर को तब ही पावे, धनी चरणों में ध्यान लगावे, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। प्रणाम प्रणाम सुंदर सर, बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर सर जी, शोभा देख रहे हैं घाटियों की, तो तरहटी से तरहटी में जाने का रास्ता देखिए, तो ये पुखराज की तरहटी का निशान, हजार हाथों से सीढ़ियां उतरती हुई, लेकिन तीन हाथों में देखेंगे। पूरब में बंगला जी की शोभा, वहां पे एक हाथ में कुंड की शोभा आई है, बंगला जी और पुखराज को जोड़ते हुए, और उत्तर और पश्चिम हाथ में देखेंगे तो यहाँ भी पुणे कुंडों की शोभा आई है। पुखराज की तहरटी में है और घाटी की तहरटी में जाना है तो अपने को सुंदर द्वार मिलेगा। इन द्वार को पार करते ही यहाँ सामने हमें 200 कोस की लंबाई चौड़ाई में, हर दिशा में 200 कोस, एक सुंदर दीवार मिलेगी। ये देखिए, इधर एंटर होते ही रोंस से घूमकर और तहरटी में प्रवेश पा सकते हैं। ये दीवार को घेर कर रोंस की शोभा, और ये तहरटी में प्रवेश पा सकते हैं। तरहटी की शोभा देखी थी कि ठीक मध्य तो नहर की शोभा है, 200 कोस में विशाल जल राशि, 50-50 कोस में जल रोंसे, और 50-50 कोस में सीढ़ी वाली रोंस कहें या पाल कहें। यहाँ पर सीढ़ियाँ सीधी दिखा रखी हैं, सीढ़ियाँ सीधी ना होके चांदों से ये सीढ़ियाँ उतरी हैं। तो ये तरहटी की सुंदर शोभा जो परसों भी देखी थी, अब चबूतरे पर आते हैं। घाटी का चबूतरा देखेंगे, एक हाथ का तो चौड़ा और 4 लाख कोस का लंबा आया है। यहाँ पे हमें इन भोंबर ऊंचे चबूतरे में हजार हाथ इस तरफ, हजार हाथ पीछे की तरफ, दोनों तरफ हजार हजार हाथों की सुंदर शोभा नजर आएगी। दो हाथों के मध्य दरवाजा जिनसे सीढ़ियां उतरी हैं तरहटी में, और यहाँ घेर कर पुखराजी रोंस के बनाएंगे तरहटी के दोनों तरफ, और यहाँ पीछे की तरफ जहाँ सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई है वहां भी पुखराजी रोंस की शोभा होगी। अब ये पश्चिम तरफ आ गए इस स्थान पर। इस स्थान पर जब आते हैं
पश्चिम घाटी के जब पश्चिम तरफ आते हैं इन स्थान पर, तो इन स्थान पर शोभा देखेंगे, पश्चिम तरफ घूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, सुंदर नूरमयी सीढ़ियां। इन सीढ़ियों को चढ़कर इन चौक में आए तो सुंदर नूरमयी चौक और दाएं बाएं दो चबूतरों की शोभा, चबूतरों के चारों कोनों पे थम ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। चार थम हो गए इन चबूतरे पर, चार थम इन चबूतरे पर, और इन चौक में भी खड़े होते हैं तो चार थम चार मेहराबे। लेकिन देखेंगे कि ये जो मेहराबे हैं चबूतरे में भी काम कर रही हैं, तो देखन की तो 12 मेहराबे, गिनती की 10 मेहराबे इन स्थान पर आई हैं। ये शोभा जो अभी खड़े दृश्य में देखी, भोंबर की सीढ़ियां, चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। अब शोभा देखेंगे भोंबर ऊपर चढ़ के जब इन चबूतरे पर आएंगे, तब शोभा देखेंगे कि ये जो हजार हांस आए हैं, इन हजार हांसों में 890 हांस तक मोहलाते आई हैं, 110 हांस की शोभा यहाँ पर खाली रही है। सबसे पहले इन शोभा को देखते हैं, 110 हांस की शोभा खाली रही है, अर्थात इन मोहलातों से पुखराज की किनार जो है 44,000 कोस की दूरी पर है। इसी तरह से ये जो पश्चिम पेड़ से पुखराज की किनार 44,000 कोस की दूरी पर है, छठी चांदनी से यहाँ पर छज्जों की शोभा देखी थी 44 कोस के, इसी तरह से इधर घाटी से भी छठी चांदनी से छज्जे बढ़ेंगे। इन शोभा को देखते हैं, ये घाटी की भी छठी चांदनी से छज्जे बढ़ेंगे, 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा जिसमें आगे 11 कोस में तो थम दहलाने और पीछे तीन हारे मोहलातों की, उन्हें 44 कोस का छज्जा, आगे दहलान की शोभा, पीछे मोहलाते, इस तरह से आगे आगे छज्जे पीछे पीछे मोहलाते बनती चली जाएंगी 250 भोम तक। यहाँ पश्चिम पेड़ से भी देखा था 44 कोस के छज्जे निकल रहे हैं घाटी तक, 44-44 कोस के 250 भोम तक छज्जे यहाँ से निकले और 250 भोम के तक छज्जे इन घाटी ने निकाले 44 कोस का छज्जा। 250 भोम के बाद ये लंबे पाठ की शोभा देखी थी, 890 हांस की तरफ तो ये शोभा हो जाएगी कि छठी चांदनी से यहाँ से छज्जे निकलेंगे 44 कोस के, 250 भोम तक छज्जे निकलेंगे। इधर से इन पेड़ ने 250 भोम तक छज्जे निकाले और 250 भोम के बाद आने जाने का एक रास्ता एक पार्ट हो जाएगा। तो इन घाटी के 890 हांस के बाद इन 110 हांस में जो बढ़ते छज्जों की शोभा है वो तो इस तरह से होगी। इन नक्शे से देखते हैं, पश्चिम घाटी का निशान, एक हांस की तो चौड़ी और 4,00,000 कोस की लंबी, इन दिशा में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि भोंबर सीढ़ियाँ चढ़ी, चौक और दोनों ओर चबूतरे। आगे की शोभा देखने से पहले 890 हांस जो इन घाटी में आए हैं, 890 हांस तक तो मोलातों की शोभा आई है, 110 हांस छूट गए हैं। इन 110 हांस की पूर्ति छठी चांदनी से छज्जे बढ़े हैं, 44 कोस का छज्जा बढ़ा, छज्जे की बाहरी किनार पर थम की शोभा, दहलान की सुंदर शोभा और भीती तरफ तीन हारे मोलातों की आ गई। इस तरह से भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे 250 भूम तक बढ़े। इधर ये पुखराज के पश्चिम पेड़ ने 250 भूम तक छज्जे बढ़ाए, 11,000 कोस की जगह इधर पश्चिम पेड़ ने दाबी, 11,000 कोस की जगह इन घाटी ने दाबी, तो मध्य जो 66,000 कोस की जगह रह जाती है वहां पर एक पार्ट पड़ जाता है। छज्जे आगे भी बढ़ेंगे और ये पार्ट अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन 250 भूम के बाद पुखराज और पश्चिम घाटी या उत्तर तरफ आने जाने का एक रास्ता हो जाएगा। तो ये छठी चांदनी से बढ़ते छज्जों की ये शोभा हुई, ये शोभा क्लियर है छठी चांदनी से बढ़ते छज्जों की। एक सेकेंड, ये पूरी शोभा देखते हैं, ये पुखराज बंगला ये घाटियां दोनों, इन तीनों में ये शोभा रहेगी कि छठी चांदनी से छज्जे बढ़ते हैं। पुखराज और बंगला में भी देखा था छठी चांदनी से 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं और 250 भूम में आने जाने का एक रास्ता हो जाता है, एक पार्ट पड़ जाता है। इसी तरह से घाटी से पुखराज की किनार
40,000 कोस की दूरी पर है पश्चिम पेड़ से, ये जो पश्चिम पेड़ आया है इससे इन पुखराज की किनार 40,000 कोस की दूरी पर, तो कुल 88,000 का फर्क है। तो छठी चांदनी से 40 कोस के छज्जे बढ़ते हैं, इन छज्जों के बढ़ते छज्जों के निशान कुछ दिखाती हूँ। ये छठी चांदनी से बढ़ता छज्जा, ये देखिए छठी चांदनी से बढ़ते छज्जे, 40 कोस के छज्जे बढ़ते हैं भारी किनार पर, तो थम जैसी ये शोभा है ना, थम्बू की हार और बीच में कठेड़ा, छज्जे की भारी तरफ तो ये शोभा हो जाएगी 11 कोस में और तीन हारे मोहलातों की हो जाएगी। तो आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी 250 भूम में। 250 भूम में एक पार्ट पड़ जाएगा, एक पुल, ये पुखराज के पेड़ से और घाटी के बीच में एक पुल की शोभा हुई। पुखराज, ये पुखराज का पश्चिम पेड़ है और ये घाटी है, 66,000 कोस के एक पुल की शोभा हो जाती है ना, जैसे बंगला की तरफ भी हुई थी, आने जाने का एक रास्ता हो जाता है ना, पुल कहें लंबा छज्जा कहें, ये एक बड़ा छज्जा हो गया ना। 250 भूम पे जाके एक पूरा पार्ट पड़ जाता है इन दोनों जगह, इधर बंगला जी की तरफ और दोनों घाटियों की तरफ एक पार्ट, जो 14 मेहराबों की शोभा देखी थी। अब छज्जे आगे भी बढ़ रहे हैं, अब ये पार्ट कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो ये शोभा तो वही है जो शोभा देख चुकी है पुखराज और बंगला में, छठी चांदी से छज्जे बढ़ते हैं, इसी तरह से घाटी से घाटी की तरफ से भी छठी चांदी से छज्जे बढ़ते हैं। तो एक शोभा तो ये हुई, ये शोभा तीनों तरफ है, बंगला जी की तरफ भी और दोनों घाटियों की तरफ भी, कि छठी चांदनी से पुखराज के इन पांचों पेड़ों ने छज्जे बढ़ाए, बंगला जी की तरफ छज्जा बढ़ा, इधर बंगला जी ने पुखराज की तरफ छज्जा बढ़ाया, इन पश्चिम पेड़ ने पश्चिम घाटी की तरफ और घाटी ने पश्चिम पेड़ की तरफ, ऐसे उत्तर पेड़ ने उत्तर घाटी की तरफ और घाटी ने उत्तर पेड़ की तरफ छज्जे बढ़ते हैं, और ये पार्ट 400 कोस का तो चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा एक पार्ट पड़ता है, लंबा पुल कहें लंबा छज्जा कहें। तो 250 भूम ऊपर एक आने जाने का रास्ता, दोनों घाटियों में भी जा सकते हैं और बंगला जी में भी जा सकते हैं। तो ये शोभा तो ये हुई, यहाँ तक शोभा क्लियर है? या इन्हीं शोभा को वापिस से कराऊं? क्लियर है दीदी, क्लियर है। अब ये शोभा देखते हैं, ये जो घाटी है इसमें 890 हांस तक मोहलाते आई हैं। इनको 890 हांस समझने के वास्ते मान ले कि 890 हांस है, 890 हांस तक जो मोहलाते आई हैं। ये देखिए ये जो मोहलाते आई हैं 890 हांस तक आई हैं, अपने पास 1,000 हांस है, 110 हांस छूट गए, 890 हांस तक मोहलाते आई हैं। तो पश्चिम से इधर पूरब यानी पुखराज की तरफ देखें तो 890 हांस तक मोहलाते हैं। इन मोहलातों की शोभा देखते हैं, होमबर की सीढ़ियां चढ़े इन चौक दाएं बाएं चबूतरे। अब ये एक हांस की शोभा लेवे कि एक हांस है, ऐसे ये 890 हांस का दृश्य हुआ। एक हांस की शोभा सबसे पहले देखते हैं, एक हांस यानी 400 कोस का लंबा चौड़ा, एक हांस वहां पर पुखराज में 400 कोस की लंबाई चौड़ाई आई है, 400 कोस का ही चौड़ा और 400 कोस का ही लंबा, लंबाई चौड़ाई 400 कोस की। चौड़ाई तरफ देखते हैं दोनों तरफ 40-40 कोस की रोंस छूट गई यानी आने जाने की परिक्रमा, ये देखिए छोटा जो निशान दे रखा है ये परिक्रमा का, ये देखिए ये रोंस चौड़ाई तरफ दोनों तरफ इस तरह से रोंस छूट गई, ये रोंस की शोभा। ये चारों तरफ है? चारों तरफ नहीं, दो तरफ आएगी। ये देखिए इन दोनों तरफ, यहां चारों तरफ का नहीं ना, एक इस तरफ और एक उधर की तरफ, ये लंबाई में ऐसे रोंस आएगी, इस तरह से रोंस आएंगी ना, चारों तरफ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ये दोनों तरफ घाटी के दोनों तरफ, ठीक है।
ये देखो ये रोंस की शोभा, रोंस यानी आने जाने का, जैसे शोभा देखी थी रंगमहल में घेरकर एक मंदिर की धाम रोसाई है, ऐसे यहाँ दोनों तरफ 40 कोस की रोंस की शोभा आई है। रोंस के बाहरी तरफ तो कठेड़ा होगा, भीतरी तरफ मोहलाते हैं, तो अपने पास चौड़ाई तरफ रह जाते हैं 320 कोस। 40-40 कोस दोनों तरफ से निकल गए तो ये अपने पास 320 कोस रहे, लेकिन लंबाई में अपने पास पूरे 400 कोस हैं। लंबाई में तो पूरे 400 कोस हैं और चौड़ाई में अपने पास रह गए 320 कोस। तो यहाँ पर जो मंदिर आए हैं वो 11-11 कोस के आए हैं। तो 320 कोस में 11-11 कोस के जब मंदिर लेते हैं तो 29 मंदिर होते हैं। तो चौड़ाई तरफ मंदिर आए हैं 29 और लंबाई तरफ आए हैं 36 मंदिर। 11 कोस का एक मंदिर है, चौड़ाई तरफ आएंगे 29 मंदिर, लंबाई तरफ आएंगे 36 मंदिर। अब जो 29 मंदिर हैं, 10 मंदिर तो ये हो गए, 10 मंदिर ये हो गए, बीच में 9 मंदिर की जगह सीढ़ियां चढ़ी हैं। एक बार पुनः ये शोभा बताती हूँ कि अपने पास एक हांस का पहले बेवरा लेते हैं। ये एक हांस हुआ, ये देखो ये एक हांस हुआ, ये वाला है ना, यहाँ तक देखो जहाँ तक रेड लाइन है, ये एक हांस का निशान हुआ। ये एक हांस की शोभा है, 400 कोस की चौड़ाई, 400 कोस की लंबाई। अब चौड़ाई तरफ देखते हैं दाएं बाएं 40-40 कोस की रोंच छूट गई, तो चौड़ाई अपने पास रह जाती है 320 कोस और लंबाई हो जाती है 400 कोस। 11-11 कोस के मंदिर आए हैं तो चौड़ाई तरफ मंदिर आएंगे 29 और लंबाई तरफ आएंगे 36 मंदिर। अब जो चौड़ाई तरफ 29 मंदिर हैं उनमें मध्य 9 मंदिर के स्थान पर, 9 मंदिर लगभग 100 कोस हुआ, तो 100 कोस में तो सीढ़ियां चढ़ी हैं और दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं, मध्य 9 मंदिर के स्थान पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो शोभा देखेंगे पहला हांस, ये जो पहला हांस है इनमें जो मोहलाते आई हैं, यहाँ पर ये जो 10 मोहलाते आई हैं, 10 मोहलातों की 36 आरे, 10 मोहलाते लंबाई तरफ 36 मंदिर हैं, तो 10 मोहलातों की 36 आरे, 10 मंदिरों की 36 आरे, इनकी एक ही भूम आई है, पहले हांस में एक ही भूम, दूसरे हांस में इनकी दो भूमें आएंगी, तीसरे हांस में तीन भूमें, चौथे हांस में चार भूमें। इन शोभा को देखते हैं, ये देखिए जैसे ये पहला हांस है यहाँ पर एक भूम की मोहलाते, ये दूसरा हांस है इनमें दो भूम की मोहलाते, ये तीसरा हांस है इनमें तीन भूम की मोहलाते। यहां से शोभा देखे, ये पहला हांस है ये वाला, यहाँ पर एक भूम की मोहलात, दूसरे हांस में दो भूम की मोहलात, तीसरे हांस में तीन हांस की, चौथे हांस में चार हांस की, ऐसे क्रमशः जैसे अगर 700 हांस में आए, 700 हांस में आते हैं तो वहां पे मोहलाते भी 700 भूम आई है, 890 हांस में आते हैं तो वहां मोहलाते भी 890 हांस की आई है। तो इस तरह से बढ़ते क्रम से मोहलाते आई हैं, ये देखिए बढ़ते क्रम से मोहलाते, एक भूम की मोहलात, दो भूम की, तीन भूम की। अब ये जो मध्य हांस है, जो मध्य 9 मंदिर का स्थान है, तो पहली भूम में दाएं बाएं तो एक एक भूम के मंदिर हो गए, लेकिन ये मध्य के जो 9 मंदिर है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। इसी तरह से दूसरी भूम में आते हैं दाएं बाएं 10-10 मंदिर की तो दो भूमें हो गई, लेकिन यहाँ पर दूसरी भूम के मंदिर नहीं आए, यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन शोभा में देखें, ये देखो सीढ़ियां चढ़कर आए, चौक दाएं बाएं चबूतरे। अब ये पहला हांस है ये वाला, तो यहाँ पर एक भूम की मोहलात आ गई, यहाँ भी एक भूम की मोहलात आ गई, मध्य 9 मंदिर के स्थान पर मोहलात ना आके वहां पे सीढ़ियां चढ़ी हैं। फिर ये दूसरे हांस में आते हैं तो यहाँ पे दो भूम की मोहलाते आ गई, इधर भी दो भूम की मोहलाते आ गई, मध्य में दूसरी भूम की मोहलात ना आके यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे ये शोभा देखने वाली है, जैसे यहाँ पहली भूम में पहले हांस में देखते हैं
कि यहाँ मध्य में मौलाते नहीं आई, वहां भी सीढ़ियां चढ़ी हैं, लेकिन बाद के जितने भी हंस हैं उन सब में पहली भूमि की सारी मौलाते आई हैं। ये पहला हंस, पहली हंस में इन मौलातों की एक भूम, 10 मंदिरों की 36 सारे इनकी एक ही भूम आई दोनों तरफ। मध्य में यहाँ पर ये मौलात नहीं आई, यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन जो बाकी 890 हांस हैं उनमें ये पहली भूम की मौलाते भी बराबर आई हैं। फिर आ जाएंगे दूसरे हांस में, इनकी दो भूम, इनकी भी दो भूम, यहाँ मध्य दूसरी भूम नहीं आई, वहाँ पर सीढ़ियां चढ़ गई। अब तीसरे हांस में आते हैं, दाएं बाएं इनकी तीन तीन भूम, यहाँ पर तीसरी भूम नहीं आई, नीचे की दो भूमें आई हैं लेकिन तीसरी भूम नहीं आई, वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ गई। ये दो भूम का दृश्य इसी तरह से 890 भूम मानो, 890 हांस, ये दो हांस का दृश्य है ऐसे ही 890 हांस तक। पहली भूम में एक भूम की मौलाते, दूसरी भूम में दो, तीसरी में तीन, चौथी में चार, और प्रत्येक में देखेंगे जैसे ये पहली भूम है तो मध्य पहली भूम यहाँ पर नहीं आई, दूसरी भूम है तो दूसरी भूम नहीं आई, तीसरी भूम है तो तीसरी भूम नहीं आई, वहां पर सीढ़ियां चढ़ी है। ये देखिए इन पिक्चर में देखें, पहली भूम में एक भूम की मौलाते, दूसरी भूम में दो भूम, तीसरी में तीन भूम, ऐसे मतलब जैसे 890 हांस तक मौलाते हैं, तो जिस भी हांस में आएंगे, जैसे अगर 10वें हांस में आते हैं तो वहां पर 10 भूम की मौलात होगी। पहले हांस में एक भूम की मौलाते, दूसरे हांस में दो भूम की, तीसरे में तीन हांस की, चौथे में चार भूम की, इस तरह से बढ़ते क्रम से मौलाते आई हैं। ये देखिए एक भूम की मौलात, दो भूम की मौलात, तीन भूम की मौलातें, चार भूम की, ऐसे बढ़ते क्रम से मौलाते आएंगी। ये तरट्टी का दृश्य, अब पश्चिम तरफ से आते हैं तो भूम भर की सीढ़ियां चढ़ेंगे, चबूतरा चौक दाएं बाएं चबूतरों की शोभा, अभी देखिए कैसे बढ़ते क्रम से। ये पहला हांस, पहला हांस 10 मंदिर इधर रहे, 10 मंदिर इधर रहे, मध्य 9 मंदिर के स्थान पर सीढ़ियां चढ़ी हैं, वहां पर पहली भूम के मंदिर नहीं आए पहले हांस में, दूसरे हांस में दूसरी भूम के मंदिर नहीं आए, वहां पे सीढ़ियां चढ़ी हैं, तीसरे हांस में तीसरी भूम के मंदिर नहीं आए, ऐसे मतलब जिस भी हांस की बात करते हैं उस हांस के मंदिर वहां नहीं आके वहां पर सीढ़ी चढ़ी है। इस तरह से सीढ़ियां चढ़ती चढ़ती पुखराज के पश्चिम तरफ के दरवाजे से जाकर लगती हैं। पुखराज के पश्चिम तरफ के बड़े दरवाजे से जाकर ये सीढ़ियां लगती हैं। यहाँ देखिए छठी चांदनी से जब छज्जे बढ़ते हैं, घाटी की छठी चांदनी से छज्जे बढ़ते हुए 44 कोस के, ये देखिए छठी चांदनी से छज्जे बढ़ते हुए 250 भूम तक छज्जे बढ़ते हैं, फिर एक पार्ट हो जाता है, ऊपर ऊपर छज्जे बढ़ते हैं और एक मिलान हो जाता है। इन शोभा को वापस दिखा रही हूँ, छठी चांदनी से जो 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं, भूम दर भूम 250 भूम तक छज्जे पड़ते हैं, फिर एक पार्ट से मिलान हो जाता है पुखराज से, फिर ऊपर ऊपर छज्जे बढ़ते चले जाते हैं 1000 भूम तक।